दो जबरदस्त वायरलेस सबवूफर, दो सैटेलाइट वायरलेस स्पीकर और एक जबरदस्त साउंड बार। 675 वॉट का आउटपुट ये है ज़ेब्रोनिक्स का ZEB-JUKE बार 9550 Pro। जबरदस्त सा स्पीकर है और एक ऐसा स्पीकर जो आपको 20,000 रुपए के अंदर देखने को मिलता है। और अब तक मैंने इंटरनेट पे इतने सारे साउंड बार्स ट्राई कर रखे हैं, बहुत सारे रिव्यू भी कर रखे हैं, बट ये एक ऐसा डिवाइस बन जाता है जिसमें दो आपको बेस देखने को मिलते हैं, बेस सबवूफर आपको प्रोवाइड कर रखे। फटाफट इसके बारे में बातचीत करते हैं, कैसा रहने वाला है आपके घर के लिए, वो लिविंग रूम में कैसी तबाही मचाने वाला है। तो खोलते सबसे पहले डब्बा हम लोग यहाँ पे, तो डब्बे में आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले आपके बेस वूफर, दो 6.5 इंच के, साथ में आपको मिल जाएंगे दो सैटेलाइट स्पीकर। सैटेलाइट स्पीकर के साथ में आपको यहाँ पर उसका एडाप्टर भी मिलेगा, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। एक आपका मेन आपको साउंड बार देखने को मिल जाता है जो कि फ्रंट में रखा हुआ है। साथ में मिलेगा आपको इसका एक रिमोट जिसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल माउंटिंग किट मिल जाएगी, यानी कि रेयर स्पीकर्स के भी मिल जाएगी, और आपका जो मेन साउंड बार है उसको भी आप माउंट कर सकते हो। साथ ही में आपको यहाँ पर मिल जाती है केबल्स। केबल्स में आपको सबसे पहले मिल जाएगी HDMI केबल, कुछ पेपर वर्क दे रखा है जो कि आप रीड वगैरह कर सकते हो, करना चाहते हो। बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिटेल में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और इसके अलावा मिल जाएगी आपको एक ऑक्स केबल। तो ये सब कुछ आपको जो है बॉक्स के अंदर बंडल कर रखा है। अब बात करते हैं सीधे साउंड बार को लेके। तो यहाँ जो साउंड बार है ये आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इसकी जो लेंथ है ऑलमोस्ट 3 फीट के अराउंड आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप अपने लिविंग रूम में इसको प्लेस कर रहे हैं तो 3 फीट की जगह आप बना लें और इसको वहाँ पे प्रॉपर प्लेस कर सकते हैं। टॉप के ऊपर भी रख सकते हो या फिर आप इसको वॉल माउंट कर सकते हो। पीछे आपको वॉल माउंटिंग के लिए जो है पोजीशन दे रखी है, आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है। बिल्ड को लेकर बात करूँ, प्लास्टिक बिल्ड आपको देखने को मिलेगी, सॉलिड प्लास्टिक बिल्ड दे रखी है। ग्लॉसी है, थोड़ा सा केयरफुल रहना। ग्लॉसी के साथ दिक्कत क्या आती है कि ना स्क्रैचेस वगैरह बहुत जल्दी लगते हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप ख्याल रखना। बाकी जो फिनिश है वो बहुत अच्छी लग रही है। फ्रंट में आपको ग्रिल देखने को मिलती है, ग्रिल के साथ में आपको ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और साथ ही में डॉल्बी ऑडियो की भी ब्रांडिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। रियर साइड्स की मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर, तो आपको एक बहुत ही यूनिक सा डिजाइन देखने को मिलता है। यूनिक से डिजाइन के साथ में यहाँ पर जो ये इधर वाला जो लेफ्ट साइड वाला है ये जो है एज अ कंट्रोलर भी काम करता है। तो अगर आपको वॉल्यूम वगैरह बढ़ानी है या फिर आपको उसके मोड्स को चेंज करना है, प्ले पॉज करना है, तो वो यहाँ पर आप इससे करने वाला है, जो कि एक यूनिक फीचर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और साइड में यहाँ पर आपको RGB लाइटिंग्स प्रोवाइड कर रखी है। ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है जो अभी तक आपने तब साउंड बार में देखी होगी, बट कस्टमाइजेबल है, आप इसको रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। बैक साइड में आते हैं यहाँ पर साउंड बार के, तो आपको देखने को मिल जाएंगे आपके पोर्ट्स, कनेक्टिविटी पोर्ट्स दे रखे हैं। ऑक्स दे रखा है, ऑप्टिकल दे रखा है, HDMI ARC दे रखा है और USB का भी ऑप्शन आपको जो है यहाँ पर अवेलेबल कर रखा है। तो कनेक्टिविटी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आप सभी तरीके से इसमें जो है कनेक्टिविटी ले सकते हैं। साथ ही साथ ब्लूटूथ 5.3 के साथ में भी आता है, तो साउंड बार में आपको ब्लूटूथ 5.3 भी देखने को मिल जाता है। सेंटर में यहाँ पर एक डिजिटल डिस्प्ले भी दे रखा है जिससे आपको मालूम पड़ेगा कौन से मोड में है, वॉल्यूम क्या है, तो वो सभी चीज आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो इन ओवरऑल टर्म्स लुक एंड फिनिश मुझे पर्सनली साउंड बार का काफी अच्छा लगा। वहीं अगर मैं सैटेलाइट स्पीकर्स की बात करता हूँ, वो भी कुछ आपको इसी तरह के देखने को मिलते हैं। डिजाइन में यहाँ पर भी आपको वो रोटेटिंग वाली चीज दे रखी है, बट ये वर्क नहीं करती, ये सिर्फ डिजाइन के तौर पर दे रखी है। बेस में यहाँ पर आपको एक स्विच बटन दे रखा है, जिससे कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे को इसको लेफ्ट चैनल में स्विच करना है या राइट चैनल में स्विच करना है, तो यहाँ पर बटन प्रोवाइड कर रखा है। तो आपके जो स्पीकर है, सैटेलाइट स्पीकर है, वो चैनल स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर इवन आपको माउंटिंग के लिए स्क्रू माउंटिंग वाली चीज दे रखी है, जो कि ट्राइपॉड वगैरह में लगाना चाहते हो तो ट्राइपॉड वगैरह में भी लगा सकते हो। काफी सारे लिविंग रूम ऐसे होते हैं जो स्टैंड पर लगाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए वो ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल कर रखा है। वहीं इसमें बैक में आपको रियर आउटपुट दे रखा है, यानी कि जो इसका सैटेलाइट स्पीकर है दूसरा वाला, उसको कनेक्ट करने का ऑप्शन दे रखा है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसको पावर सप्लाई भी देना पड़ेगा आपको सेपरेट, तो वो पावर सप्लाई का आपको DC इनपुट देखने को मिल जाएगा। और इसको अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रखा है एक Type-C पोर्ट। ये Type-C पोर्ट जो है डेडिकेटेड अपडेट के लिए दे रखा है, तो कुछ भी अगर अपडेट्स आते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट आती हैं, तो आप इसको कर सकते हो अपडेट यहाँ पर Type-C की पोर्ट से कनेक्ट करके। तो ये आपको दो सैटेलाइट स्पीकर यहाँ पर मिल जाते हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बेस यानी कि सबवूफर को लेके। सबवूफर की बात करें तो दोनों ही आपको सेम सबवूफर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो एक मेन सबवूफर है उससे आपका दूसरा सबवूफर कनेक्ट हो जाता है। केबल की लेंथ काफी अच्छी दे रखी है, ये चीज थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंट करी। मतलब अगर आपको दूसरे सबवूफर को अगर डिस्टेंस पे रखना है तो फिर आपको इसकी जो केबल है वो बढ़ाना पड़ेगी। इस दोनों के बीच में वायरलेस कनेक्शन नहीं है, मतलब ये दोनों जो है इससे वायरलेसली कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको इसको दूर लगाना है या फिर दूसरी लोकेशन पे रखना है, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आपको इसकी जो केबल की लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़वाना पड़ेगी। लेंथ जो दे रखी है वो छोटी दे रखी है। वैसे आप दोनों को 10 फीट की डिस्टेंस पर आराम से रख सकते हो, सबवूफर्स को दिक्कत नहीं आने वाली, बट अगर करना है तो फिर आप वो कर सकते हो। यहाँ पर पीछे आपको पोर्ट दे रखा है सबवूफर में, इवन आपको अपडेट के लिए यहाँ पर USB का एक पोर्ट प्रोवाइड कर रखा है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो आप USB से इन दोनों सबवूफर को अपडेट कर सकते हो। और इवन आपको एक रीसेट बटन प्रोवाइड कर रखा है, तो कभी कभार क्या होता है कि आपकी जो मेन डिवाइस यानी कि साउंड बार है इससे कभी कभार कनेक्ट नहीं होते, तो आप इन दोनों को रीसेट कर सकते हो ताकि कनेक्टिविटी आपको जो है प्रॉपर देखने को मिले। तो ये तो हो गया यहाँ पर सबवूफर के बारे में। बट अगर मैं स्पेसिफिकेशन को लेकर बात करूंगा यहाँ पर, तो ये जो सबवूफर है ये 6.5 इंच के ड्राइवर के साथ में आते हैं। 6.5 इंच का ड्राइवर मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि लगभग जो 10 बाय 10 का कमरा कमरा है या 10x15 का कमरा है वहाँ पे मोर देन इनफ हो जाता है एक पर्टिकुलर अगर मैं बेस की बात करता हूँ। बट यहाँ पर आपको दो बेस प्रोवाइड कर रखे, मतलब लगभग 13 इंच का आपका सबवूफर हो गया, यानी कि 6.5 ये 6.5 ये, तो ये आपका 13 इंच का सबवूफर हो गया। और बेस जो आता है वो बहुत ही तबाहीदार बेस यहाँ पे निकल कर आता है। मुझे इसका बेस बहुत अल्टीमेट लगा। सिंगल सबवूफर ही बहुत इनफ है, बट अगर आप डबल वाला कर लोगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। और जब आप मूवीज़ वगैरह देखोगे ना तो आप बिल्कुल इमर्स हो जाते हो, यहाँ पर आप बिल्कुल एंगेज हो जाओगे। जब वो बेस वाली चीज़ें हो रही हैं, जो एक्शन हो रहा है, तो वो चीज़ों का फील जो है दोनों सबवूफर से काफ़ी अल्टीमेट निकल कर आता है। बट जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसके सेटेलाइट स्पीकर्स को लेकर या फिर इसके मेन जो ये मिडिल सेंटर स्पीकर आप जो का साउंड बार है, इसकी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ साउंड बार में आपको 3 जो है ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। 3.5 इंच के जो है आपको 3 ड्राइवर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। सेंटर वाला आपका यहाँ पर सेंटर चैनल है, लेफ्ट राइट चैनल आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि ये 3 आपके यहाँ पर चैनल दे रखे हैं। क्वालिटी आउटपुट आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, इसमें बिल्ट इन सबवूफर नहीं दे रखा क्योंकि सेपरेट लगा रखे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इन सैटेलाइट स्पीकर में, तो यहाँ पर भी आपको 3.5 इंच के जो हैं 2 ड्राइवर्स प्रोवाइड कर रखे। तो ये जो आउटपुट है काफ़ी ज़बरदस्त निकल कर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इन साउंड बार के थ्रू। जब आप इस 5.2.2 चैनल को फुल्ली कंप्लीटली अटैच करेंगे, यानी कि चालू करेंगे, तो ये 625 वॉट का टोटल RMS का साउंड जनरेट करते हैं, जो कि बहुत तबाहीदार हो जाता है। और 10x20 का भी अगर आपका हॉल है ना, तो मैं बोल रहा हूँ आपको बड़ा फन और अल्टीमेट साउंड क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस की जब मैं बात करता हूँ, तो ये डॉल्बी एटमॉस के साथ में आता है, जो कि सबसे अच्छी बात हो जाती है। बट जब आप डॉल्बी एटमॉस को एनेबल करेंगे तो वो सिर्फ HDMI ARC पर ही वर्क करता है। आप ये सोच रहे हैं कि मैं ऑक्स लगा लूँ या फिर मैं उसमें ब्लूटूथ से डॉल्बी कंटेंट प्ले कर लूँ, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। आप HDMI ARC से जब इसको कनेक्ट करोगे अपने टीवी वगैरह से, तो ही आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, या फिर आप सेटअप बॉक्स वगैरह से भी कनेक्ट करोगे तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस ले सकते हो। अब रही बात जो क्वालिटी यहाँ पर निकल कर आती है, वो आपको इन रियल टाइम एक्सपीरियंस में ही अच्छी तरीके से मालूम पड़ता है। बट मैं आपको एक सैम्पल सुना देता हूँ कि किस तरह की परफॉर्मेंस मिलती है डॉल्बी कंटेंट में, नॉन डॉल्बी कंटेंट में, और जब भी इसके जो डिफरेंट मोड्स प्रोवाइड कर रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि म्यूजिक, मूवी, न्यूज़, स्पोर्ट्स, किस तरह की परफॉर्मेंस निकल कर आती है उनमें, तो वो अपन एक बार चेकआउट कर लेते हैं। आपको एक अंदाजा लग गया होगा किस तरह की परफॉर्मेंस ये जो है साउंड बार देता है जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे। बेस पर्सनली बोल रहा हूँ, इसका बेस बहुत ज़बरदस्त है। ट्रेवर्स की क्लैरिटी भी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। मतलब मैं अगर आप प्रीमियम लेवल के जब साउंड बार्स की बात करते हैं सोनी वगैरह में, या फिर आप JBL वगैरह में जाते हैं, तो उस तरह की क्वालिटी को यहाँ पर उन्होंने एक्सपीरियंस देने की कोशिश करी। अप टू द मार्क नहीं है, बिल्कुल उनकी तरह का परफॉर्मेंस तो नहीं मिल पाएगा आपको, बट स्टिल काफ़ी बेहतर है फॉर द प्राइसिंग। और 20,000 के अंदर मुझे पर्सनली साउंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी लगी। अब यहाँ मैं बात करूँ मैं इसके रिमोट को लेकर, तो रिमोट में आपको सभी चीज़ का कंट्रोल देखने को मिल जाता है। ट्रेबल्स को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, सबवूफर की बेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभार होता है कि हमें बेस ज़्यादा लग रहा होता है, डायलॉग्स हम लोग मिस आउट कर जाते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। इवन सेंटर स्पीकर जो है आप उसको यहाँ पर एनहांस कर सकते हो। जो मेजर आपने मूवीज़ वगैरह देखी होंगी ना, तो डायलॉग्स वगैरह जो भी होते हैं वो आपको सेंटर स्पीकर से ही सुनाई देते हैं। एक्शन वाली चीज़ें जब होती हैं तो वो आपको सराउंड स्पीकर में सुनाई देते हैं। तो आप यहाँ पर सराउंड स्पीकर की वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हैं, सेंटर स्पीकर की वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से, अपने स्पीकर प्लेसमेंट के हिसाब से आप जो है यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह को सेट कर सकते हो। जो भी आपको बेहतर आउटपुट दे रहा है वो आप यहाँ पे परमानेंट उसको नोट डाउन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें RGB लाइटिंग प्रोवाइड कर रखी है, तो उस लाइटिंग को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर रिमोट में बटन दे रखा है, कलर डिफरेंट कलर्स भी हैं, डिफरेंट पैटर्न्स आप यहाँ पर चालू कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, डिस्ट्रैक्ट हो रहा लाइटिंग से, तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन भी मिल जाता है, पेयर और इनपुट ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको इनपुट ऑप्शन चेंज करना हो, आपने HDMI भी लगा रखा है, आपने कोएक्सियल भी लगा रखा है, या फिर आपने ब्लूटूथ भी लगा रखा है, तो वो आप रिमोट से भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये जो साउंड बार है, इन ओवरऑल कंपैरिजन में अगर मैं बात करता हूँ इस प्राइस सेगमेंट में जो और भी साउंड बार्स आते हैं उनसे, तो मुझे इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा। पीक परफॉर्मेंस आपको 625 वॉट की देखने को मिलती है, जो कि बहुत अमेजिंग हो जाती है। जो इसके की हाईलाइट फीचर जो मेरे को पसंद लगे, एक तो वायरलेस कनेक्टिविटी है, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए ईज हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब भी वायरिंग वगैरह करने जाते हैं तो बड़ा परेशान होना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको पूरा वायरलेस सेटअप देखने को मिलता है। हाँ, जो आपको सप्लाई चाहिए रहेंगे आपको सबवूफर को सेपरेट सप्लाई देना पड़ेगा, पावर सप्लाई, आपको सैटेलाइट स्पीकर्स को सेपरेट सप्लाई देना पड़ेगा, और आपका जो मेन साउंड बार है इसको भी आपको सेपरेट पावर सप्लाई देना पड़ेगा। तो इन चीज का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। बट अगर आप मेन डिवाइस से कनेक्टिविटी को लेकर बात करते हैं तो वायरलेस है, आप सबवूफर को अच्छी डिस्टेंस पर रख सकते हो, आप अपने वायरलेस जो सैटेलाइट स्पीकर है इनको अच्छी डिस्टेंस पर प्लेस आउट कर सकते हो, दिक्कत नहीं आने वाली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप उसका फन जो है और अच्छे तरीके से ले सकते हो। इन टर्म्स मुझे ये साउंड बार बहुत अच्छा लगा है। अगर आपका भी 20,000 के अराउंड बजट है और आप चेकआउट करना चाह रहे हो एक परफेक्ट साउंड बार अपने घर के लिए 5.2.2 वाला, तो ये आपके लिए सबसे जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि 2.1 मेरे हिसाब से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे सिंगल सबवूफर वाले आते हैं, बट डबल द बेस वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इंपैक्टफुल लगी है। तो आप अगर इसको चेकआउट करना है तो इसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरा पर्सनली रिकमेंडेड साउंड बार कहीं ना कहीं बन जाता है अंडर 20,000। तो होपफुल आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो फिर लाइक तो बनता है, भाई के लिए लाइक जरूर से कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, जब भी आपके कमेंट आते हैं खुशी मिलती है। बाकी मिलेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।